दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th फिर भी आपको कोई लेना देना नहीं है ये कोरोना क्या है ना आपने जानने की चेष्टा की और ना आपको फर्क पड़ता है आज आपके क्षेत्र में एक व्यक्ति को बीमारी होने का पता चला है जो ये बताता है कि आपके क्षेत्र में एक ऐसी बीमारी ने दस्तक दे दी है जिसके बारे में बिना जाने आप इससे बच नहीं सकते मैं आप सबको बहुत ही शॉर्ट में ये बताना चाहता हूँ कि जो बीमारी है आप में से किसी के भी अंदर हो सकती है इस बीमारी का वायरस अगर आपके अंदर है तो उसके लक्षण आपको दिखाई दें जरूरी नहीं है हमारे सामने ऐसे बहुत सारे मामले आए हैं जिसमें कि बीमारी के कोई लक्षण दिखाई नहीं पड़ते हैं 15 दिन 20 दिन बाद पहली बार उसको खांसी या छींक आने की समस्या होती है लेकिन उस 20 दिन में उस 15 दिन में वो व्यक्ति जितने लोगों के संपर्क में आता है उनमें से हर एक व्यक्ति तक वो बीमारी पहुंचा देता है आप सब लोगों के सैंपल इसलिए लिए जा रहे हैं क्योंकि आप कभी ना कभी उस व्यक्ति के संपर्क में आए हैं जिसको कोरोना होना पाया गया है मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अब आप अपने घरों पर ही रहें ताकि आपसे वो किसी को नहीं फैले हमें पता नहीं है कि आपके अंदर वो वायरस पहुंचा या नहीं पहुंचा ये बात को जो डॉक्टर साहिबा ने टेस्ट लिए हैं आपके सैंपल लिए हैं उन सैंपल से पता चलेगा कि आप में से किसी को वो वायरस तो नहीं पहुंच गया है अभी एक बुजुर्ग थे वो कह रहे थे कि साहब हमें तो कुछ नहीं है बिना मतलब बैठा रखा है आपको नहीं पता है कि आपको कुछ है कि नहीं है ये वायरस अगर आपके अंदर है तो 15-20 दिन पता नहीं चलने वाला आपको जब आप घर में भी रहें तो अपने बच्चों के साथ भी एक दूरी बना करके रखें हो सकता है आपके अंदर वायरस हो तो आपके बच्चों में नहीं पहुंच जाए एक समझदार नागरिक की तरह आपकी जिम्मेदारी है कि आपके अंदर अगर ये वायरस आ गया हो तो आपसे किसी और को नहीं पहुंचे आज जो सील ये लगाने वाले हैं डॉक्टर यहाँ पर वो सील आपको लगा रहे हैं ताकि आप समझे कि आपको अब अपने घरों पर ही रहना है कहीं बाहर नहीं जाना है आप में से कुछ लोगों को लगता होगा कि मैं नाक में कपड़ा लगा करके सुरक्षित हो रहा हूँ ये गलत फहमी मत रखिए दिल में इस वायरस से सुरक्षा के लिए जो हमारे डॉक्टर्स यहाँ खड़े हैं आपने देखा होगा पूरे शरीर पर उन्होंने तरह तरह की चीजें पहनी हुई हैं उसके बाद भी गारंटी नहीं है आपको जानकारी है कि हमारे कई डॉक्टर शहीद हो गए कोरोना लड़ाई में तो लापरवाही छोड़ करके जो अभी सारे सुरक्षा के तरीके बताए हैं मैडम ने उनका ध्यान दें सफाई का ध्यान रखें और आप किसी के संपर्क में नहीं आए आप हर व्यक्ति को जिससे आप मिले आप ये मान के चले कि उस व्यक्ति को कोरोना हुआ तो आपको हो जाएगा डरना अच्छी बात है डरिए क्योंकि अगर आप डरेंगे नहीं तो या तो आपसे किसी और को हो सकता है या किसी और से आपको हो सकता है इस समय आपकी जरूरत यह है कि आप समझें कि दूरी रखना बहुत जरूरी है तो यहाँ पर पुलिस फोर्स खड़े होकर आपको दूर रहने के लिए कह रही है हमारी कोई दुश्मनी नहीं है अगर आप दूर नहीं रहेंगे तो आपके पड़ोस में खड़ा हुआ व्यक्ति आपको वायरस लेके चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा उसे भी पता नहीं चलेगा तो जो लोग यहाँ खड़े हैं अगल बगल मैं उनको बताना चाहता हूँ कि किसी भ्रम में मत रहिए आपका पड़ोसी जो आपके बगल में खड़ा हो सकता है उसको कोरोना वायरस हो उसे भी पता नहीं है थोड़ा दूरियां बनाइए बार बार हम समझा रहे हैं पिछले 25 दिन से अनाउंसमेंट करवा चुके हैं हर प्रयास हम कर चुके लेकिन आप में से कई लोगों को मानना ही नहीं है तो जिन जिन को ये गलत फहमी है कि उन्हें नहीं होने वाला है कोरोना मैं उनको एक ऑफर भी देना चाहता हूँ अगर आप में कोई इतने बहादुर लोग होते हैं कई बार अगर आप में से कोई इतना बहादुर हो जो मानता हो कि साहब कोरोना मेरा क्या बिगाड़ लेगा तो मैं उसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे पास आ जाए JLN में हमारे पास कोरोना वार्ड में सेवा करने के लिए वार्ड बॉय नहीं मिल रहा है कोरोना पेशेंट को उठाना होता है बैठाना होता है उसको बाथरूम ले जाना होता है तो ऐसे लोग जो अपने आप को इतना बहादुर मानते हो वो हमारे साथ आ जाए उनको सारे अस्त्र शस्त्र पहना करके उन लोगों की सेवा में लगा देंगे हम हमें ऐसे मजबूत लोगों की बहुत जरूरत है अगर किसी को ये लगता हो गलतफहमी किसी को हो बाकी हम आपको साफ साफ बताना चाहते हैं कि आप में से कोई भी व्यक्ति कोरोना से सुरक्षित नहीं है ये जो बीमारी है ये दुनिया के किसी भी मुल्क में किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ रही है बच वही रहा है जो सुरक्षा का ध्यान रख रहा है सफाई का ध्यान रख रहा है और दूरियां रख रहा है जो आप लोग साथ साथ खड़े हो जाते हैं और कहने पर भी सुनते नहीं है ये आपके लिए खतरनाक है हमारा कुछ नहीं हो रहा ये दुर्भाग्य की बात है कि 25-30 दिन हो गए आप लोगों को बता बता करके पूरा प्रशासन पूरा सिस्टम बता बता करके थक गया पर आप लोगों को ये अभी तक समझ में नहीं आया कि दुनिया क्यों रखनी है अब तो आपके अपने घर तक आपके दरवाजे पर दस्तक दे चुका कोरोना आपके अपने पड़ोस में कोरोना का मरीज मिल गया आप जानते हैं कितनी खतरे की बात है
कम से कम मेहरबानी करके अब सावधानी रखिए और अब लोगों से मिलना, उनसे किसी भी तरह का संपर्क रखना बंद करिए। आप लोग अगले 15 दिन आइसोलेशन के फेज में रहेंगे, इस दौरान किसी के संपर्क में नहीं आइए। बाकी लोगों को भी बताइए भाई हमसे मिलने मत आओ, हो सकता है आपके अंदर वो वायरस हो गया हो। थोड़ी सावधानी रखिए, यही सुरक्षा है। धन्यवाद।